दलित छात्र को गाली देने वाले प्रिंसिपल की कॉलेज की मान्यता रद्द। आरोपी प्रिंसिपल हरिओम शर्मा गया जेल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दलित छात्र को फोन पर जाति सूचक गालियां देने वाले प्रिंसिपल की अकल ठिकाने पर आ गई। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में स्थित ज्ञानस्थली कॉलेज के चेयरमैन हरेंद्र शर्मा को एक छात्र को फोन पर धमकी देना भारी पड़ गया और उसकी गिरफ्तारी हो गई। आज खबर ये आई कि हरिओम शर्मा के ज्ञानस्थली कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो गई। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने ज्ञानस्थली इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हरिओम शर्मा के जातिवादी व्यवहार का संज्ञान लेते हुए ज्ञानस्थली कॉलेज की मान्यता एक साल के लिए रद्द कर दी। CCSU ने कॉलेज की संबद्धता के एक साल तक स्थगित करते हुए बीएड काउंसलिंग में नाम नहीं भेजने का फैसला लिया है। इससे कॉलेज का बीएड सत्र 2024-26 शून्य रहेगा। भविष्य में जांच रिपोर्ट के बाद और कठोर कार्रवाई पर विचार करेगा। दरअसल ज्ञानस्थली कॉलेज के एक दलित छात्र ने प्रिंसिपल को फीस में छूट देने के लिए कॉल किया था, लेकिन आरोप है कि प्रिंसिपल हरिओम शर्मा ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी, जिसका ऑडियो भी सामने आया, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य अनिल गौतम की शिकायत के बाद अब थाना भोजपुर में अध्यक्ष के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो गया। अब पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वायरल हुए ऑडियो क्लिप में कॉलेज के चेयरमैन को छात्र से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे बीएड की डिग्री नहीं मिलेगी। उन्होंने सभी ऐसी छात्रों को फेल करने की धमकी भी दी, कहा कि इस जाति के किसी भी छात्र को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शर्मा ने कथित तौर पर छात्र से फीस जुटाने के लिए कॉलेज की इमारत की पुताई करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। शर्मा ने कहा कि उसकी जाति के अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब छात्र ने बताया कि उसके पिता ICU में हैं, तब भी कॉलेज के चेयरमैन उसे डांटते रहे। शर्मा ने छात्र से पूछा कि उसे अपनी कॉलेज की फीस क्यों नहीं भरी है। शर्मा ने कथित तौर पर उसे भोजपुर थाने में बंद कराने की धमकी भी दी। बसपा नेता जाटव ने अपनी शिकायत में कहा कि सोमवार सुबह उन्हें एक ऑडियो क्लिप मिली थी। इसमें हरिओम शर्मा उस लड़के के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी कर रहे थे जो SC समुदाय से है। लड़के ने पिछले हफ्ते कॉलेज में ये जानने के लिए फोन किया था कि क्या SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए कोई छूट है। शुरुआत में एक महिला ने उससे बात की, लेकिन शर्मा ने फोन ले लिया और उसे गालियां देना शुरू कर दिया। इस मामले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षण संस्थानों में दलित बच्चों के साथ किस तरह का जातिवाद होता होगा। अच्छी बात यह है कि इस मामले में UP पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल को SC/ST एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी। ऐसे जातिवादी द्रोणाचार्य शिक्षकों पर इस तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।